इट्स अ पजल गाइज ये पांच मार्क्स ही पजल है ओके okay. सो so, अगर आपको पांच मार्क्स चाहिए तो आपको ये वाला पजल सॉल्व करना पड़ेगा ओके सो लेट्स डू इट देखते हैं कितने लोग करेंगे देखो आर्य कह रहा है कि सर पजल करवाइए तो देखो आ गई पजल सामने आपके सो लेट लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का मुझे बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट फड़ से सभी बच्चे आंसर बताएंगे आंसर क्या आएगा सोल्व दिस पजल गाइज इस पजल को सोल्व करिए पजल आ गई है गाइस पजल आ चुकी है इट्स अ फ्लोर कितनी देर में हो जाएगा ये क्वेश्चन बताओ मैं आपको देता हूं दो मिनट ठीक है दो मिनट मैक्सिमम है दो मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो चलो नहीं विशाल इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेस फ्री हैं भाई आपसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा मैं बता दूं आपसे एक रुपया नहीं लूंगा लेकिन आपको इतना बढ़िया कंटेंट दूंगा ना कि आपका सिलेक्शन फॉर श्योर है एक परसेंट आपको ऐसा लगेगा किसी दिन भी कि आज कंटेंट हमें ईजी मिला अच्छा कंटेंट होगा बने रहिए यस एस बे क्लेरिकल लेवल का ही पजल पढ़ा रहा हूं बेटा सोल्व दिस क्वेश्चन बता दू मैं देखो यहां पे पूनम शिवांगी विशाल ने तो कर लिया अच्छा विशाल से बता दो सर ओके तो चलो आप में से कितने कहते हैं कि सर प्लीज प्लीज, प्लीज एक्सप्लेन बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं आप में से प्लीज एक्सप्लेन कमौन यार शेयर करो यार कम से कम है ना इस समय अपनी क्लास में डेढ़ सौ बच्चा होना चाहिए मैं गारंटी से कहता हूं प्रीमियम कंटेंट है ये वो कंटेंट है जो दूसरे टीचर पेड क्लासेस में पढ़ा रहे हैं पेड कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूं आपको गारंटी है ऐसा कॉन्टेंट मैच कर लेना अगर आपने कभी किसी का पेड कोर्स लिया हो तो अगर मेरा भी लिया हो तो आप शेयर करो वीडियो को मैं आपको गारंटी देता हूं सिलेक्शन दिलाऊंगा रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स ये गारंटी है पूरे में से पूरे मार्क्स आपके भी आ सकते हैं आपके भी आ सकते हैं विश्वास करो बस बने रहो शेयर करो सॉल्व करो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सुनो नाउ एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकालना है मुझे देखो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की दिस इज अ वेरी स्मॉल पजल बहुत छोटा पजल है बहुत बड़ी बात नहीं है ये ठीक है कैसे करना है वो सुनो ये हमसे कह रहा है कि आठ बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस के नाम ये हैं ठीक है ठीके? आगे कह रहा है कि ये बॉक्सेस एक शेल्फ में रखे गए हैं जो कि एक से आठ नाम दिया गया है ये कह रहा है कि एट है इज द बॉटम शेल्फ एंड द द इज टॉप मोस्ट दोस्ट सुनना मेरी बात ये कह रहा है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है, है, है और ये एट सेल्फ है क्लियर है कितनी शेल्फ है एट सेल्फ है टॉप वाली ए वन है और बॉटम वाली एट है क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई अब सुनो देर आर फोर शेल्फ या फोर बॉक्सेज प्लेस बिटवीन एन एन क्यू एन और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस है चार बॉक्सेस है सुनना यानी एन और क्यू अब ये पॉसिबिलिटी है ना कि क्यू अपने ऊपर आ सकता है और एन अपने नीचे आ सकता है इज दट क्लियर इट कैन बी पॉसिबल केस ये तो मानते हो एन और क्यू के बीच में चार होने चाहिए और हो, कहीं पर भी हो सकते हैं इज दट क्लियर आगे देखो सो देर आर फोर बॉक्सेस प्लेस बिटवीन एन एन क्यू नेक्स्ट टू बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एल एंड क्यू एल और क्यू के बीच में कितने हैं दो हैं सो एल टू क्यू या क्यू और वन टू एल दिस कैन बी पॉसिबल है आप इस दो लाइन से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट आंसर वेरी इजिली आपको आराम से आंसर मिल जाएगा यह भी गारंटी से कहता हूं आगे देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन के एंड क्यू इज सेम एज द बिटवीन आर एंड एल कह रहा है कि K और Q के बीच में जितने बॉक्सेस हैं इक्वल का मतलब है K और Q के बीच में एक बॉक्सेस हैं दो बॉक्सेस हैं तीन बॉक्सेस हैं चार बॉक्सेस हैं तो जितने भी बॉक्स है आर और एल के, के, के बीच में है इसका मतलब R इज इक्वल टू एल इज दैट क्लियर मेरी बात समझ में आ गई आपको के और क्यू के बीच में जितने भी बॉक्सेज हैं उतने ही बॉक्सेस आर और एल के बीच में होंगे ये कह रहा है हमने कर लिया

ये यह यहां पे लिख दिया q और r के बीच में टू बॉक्सेस है फिर कह रहा है m इज प्लेस्ड जस्ट अबव q q के जस्ट ऊपर m आएगा तो जहां भी q लिखोगे q के जस्ट ऊपर m आएगा ये यह यहां पे कह रहा है इमीडिएट ये क्या यहां पे क्या कह रहा है इमीडिएट कह रहा है ठीक है एंड द लास्ट लाइन देयर आर एट लीस्ट टू बॉक्सेस बिटवीन o l एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम क्या कह रहा है ये कम से कम तो मुझे ध्यान रखना है ओ और एल के बीच में कम से कम दो तो होंगे इसका मतलब है दो प्लस तीन चार पांच छह सात आठ ये कुछ भी हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ये किस पे डिपेंड करता है कंडीशन पे डिपेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि ओ के और एल के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे वो दो प्लस होंगे ठीक है ये यहां पे लिख दिया अब सुनो मेरी बात पॉइंट ये आता है कि इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे रिलेट करूं सुनो मेरी बात ध्यान से

एन और क्यू के बीच में चार बॉक्स हैं एन वन टू थ्री फोर क्यू अनदर कंडीशन क्यून टू थ्री फोर एन ठीक है दिस इज पॉसिबल अब हमसे क्या कह रहा है Q के जस्ट ऊपर आएगा यानी कि आप इसको प्लेस करो यहां पे और Q के जस्ट ऊपर एम आएगा तो यहां पे प्लेस करो तो क्या लिया हमने हमने सबसे पहली कंडीशन ये ली ठीक है सेकेंड कंडीशन हमने इसको उठा लिया और इसको प्लेस कर दिया अब हमसे क्या कह रहा है एल और क्यू के बीच में दो हैं टोटल आठ हैं एक दो तीन चार पांच छ सात अब एक एक बार बताओ अब एक रखना है तो एक ऊपर ही रखूंगा नीचे तो रख नहीं सकता सो so, L और Q के बीच में अगर दो हैं तो डेफिनेटली वन टू L को मैं यहां पे प्लेस करूंगा दिस इज द कंडीशन ऑफ L आएगी कि नहीं आएगी आ जाएगी यहां पे आओ यहां पे Q है अपने पास ठीक है अब कंडीशन क्या कहती है कि एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच छह हो गए अब अगर छह हो गए तो वन टू सात आठ नौ हो जाएंगे तो क्या करें क्यू को नीचे रहने देंगे वन टू L यहां पे रख देंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ L क्लियर है तो तीसरे नंबर पे आपने इस कंडीशन को उठा के रख दी मैं सिखा रहा हूं कि एग्जाम में वन गो में पजल कैसे की जाती है ठीक है अब देखो लगता है कुछ चेंज हो गया है कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठीक है अब जैसे अपन ने ये रखा तीसरे नंबर पे अब आगे देखो ये अपना डन है ये अपना डन है ये अपना डन है के और आर के बीच में दो है बाद में लेंगे के क्यू के बीच में जितने होंगे आर एल के बीच में उतने होंगे वो देखते हैं और एल और ओ के बीच में कितने होंगे दो प्लस होंगे नाउ द पॉइंट इज वॉक्स नीचे कुछ नहीं आएगा आएगा वो ऊपर आएगा एक दो तीन चार पांच छ अब आएगा जो ऊपर आएगा वो कैसे आएगा वो देखो और एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच छह सात यानी जो अगर ऊपर आएगा तो ऊपर नीचे आएगा तो नीचे नाउ द पॉइंट इज वॉट अब हम क्या कर सकते हैं हमने देखा कि इसको उठाओ के और क्यू के बीच में जितने उतने आर और एल के बीच में क्यू अगर यहां पे है अगर क्यू यहां पे है मेरे पास वन टू के पॉसिबल नहीं है तो वन टू के थ्री यानी केस में किसी भी तरीके से यह चीज पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है इसको तो आप काट सकते हो कि भैया ये कंडीशन तो गई अब जैसे ये कंडीशन गई तो अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि भाई दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर क्यू है यहां पर एम है उधर एल है कंडीशन को कैसे बिठाएंगे

यहां पे आप आर को प्लेस करो वन टू थ्री के अब देखो बात आती है K को वहां पे प्लेस करोगे तो के अब यहां पे प्लेस नहीं कर सकते इसका मतलब के ऊपर प्लेस कर दो तो जैसे आप आर के ऊपर यहां, यहां पर प्लेस करो और देखो कंडीशन खत्म हुई कि नहीं हुई आर वन टू के चार पांच छह सात आठ यानी एल के जस्ट नीचे जिसको रखना है वो आप पी को रख दो और क्वेश्चन आपका सॉल्व एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ यू कैन सी कि भाई कैसा लगा आपको समझ में आया अब आप देखो किस तरीके से ये हो रहा है आपके पास R है O है N है K है L है P है M Q है है M Q डायरेक्टली कर सकते थे किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी And the final answer अब आप चेक करो R O N K L P M Q एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डन देखो भाई ऐसी काम नहीं कर रहा है बता दूं मैं यहां पे हूं केवल इसलिए ताकि आप सब बच्चों को बेस्ट कंटेंट दे सकूं कोई फर्क नहीं पड़ता है यार अपन तो गर्मी में भी पढ़ा सकते हैं जिस दिन सिलेक्शन मिल जाएगा ना उस दिन बहुत ज्यादा हैप्पी रहूंगा कि हां मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो गया फाइनली उनको एस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग गई है ठीक है चलो